देखिए स्कैम में करके कमाल अब प्रतीक गांधी जो है अपनी नई शॉर्ट फिल्म के साथ तैयार है। मजे की बात तो ये है कि इनकी रियल लाइफ वाइफ भी इस फिल्म में इनके साथ से नजर आएगी। एंड डू यू नो कैसे एक गुलाटी ने, मेरा मतलब है कि कार्टव्हील ने इन दोनों को मिलाया? नहीं पता तो आज जान लीजिए। काफी वक्त हो गया, 2006 आई बिलीव राइट, पौने दो साल लगे मुझे भामिनी को कॉफी के लिए मनाने में। 13 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को झेल भी रहे हैं। उन्होंने स्टेज पे कार्टव्हील किया था जो प्रेमा गुलाट मारता आवड़ी जाए तो पछी तो बात अच्छी रही। हम लोग बहुत समय से साथ में थिएटर पे काम करते रहे हैं, मैं और भामिनी। हमने काफी सारे थिएटर प्रोजेक्ट किए हैं, हमने साथ में डायरेक्शन भी किया है, थिएटर पे परफॉर्म भी किया है, एक दूसरे को डायरेक्ट भी किया है। तो ये पहला ऐसा मौका है जबकि एक शॉर्ट फिल्म है, मैं और भामिनी साथ में काम करेंगे और वो भी हिंदी शॉर्ट फिल्म, और वो भी Amazon TV पे आने वाली है। हम एक्चुअली वेटिंग कि कोई अच्छी सी एक स्क्रिप्ट हो, अच्छा सब्जेक्ट हो जिसमें काम करने में बहुत मजा आए, अपने आप को एक्सप्लोर कर सके एज एन एक्टर। तो और ये मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। देखिए जहाँ तक मेरी बात है ना, तो ये एक तो फादर डॉटर की कहानी, तो और मेरी लाइफ, मेरी डॉटर है, मेरी बेटी 7 साल की है। तो जब ये स्क्रिप्ट में पढ़ रहा था मैं अपने आप को देख रहा था। तो प्रतीक भाई, इस केमिस्ट्री का असली राज क्या है वो बताइए। इस केमिस्ट्री का असली राज तो ये है कि 13 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को झेल भी रहे हैं। तो अब शायद कोई भी हमको साथ में देखता है तो उनको वो फील मिल ही जाता होगा। राजी, ये इंटरेस्टिंग चीज है कि इस फिल्म में वो दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, वो पहले कभी मिले नहीं है एक दूसरे से, तो वो आई थिंक मस्ट हैव हेल्प्ड कि 13 साल के बाद पहली बार एक दूसरे को यू नो मस्ट हैव जानो की तरह मिला। हाँ, पहली मुलाकात की ही याद आई और हमने उसको हमने तभी भी डिस्कस किया था कि आई मीन 12-13 साल पहले जब हम मिले थे तब की बात है। काफी वक्त हो गया, 2006 आई बिलीव राइट। मैं कोई एक प्ले देखने गई थी पृथ्वी पर और वहां पर ही वाज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, तब ही वाज डूइंग एक्रोबेटिक्स एंड उन्होंने स्टेज पे कार्टव्हील किया था। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज जो मुझे नहीं आती और कोई और कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अरे इसको तो आता ही। एंड देन समहाउ आई वेंट ऑन द बैक स्टेज टू कांग्रेचुलेट दैट यू नो यू डिड अ गुड जॉब एंड He happened to be a common friend. एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हम मिले, फिर हमारी दोस्ती हुई, काफी वक्त लगा अच्छी दोस्ती होने में और फिर हम आगे बढ़े। हम ये कह सकते कि आपकी प्रेम कहानी आगे बढ़ने के पीछे कार्टव्हील का हाथ है, क्योंकि उन्होंने कार्टव्हील अच्छा किया था। You can say that. वो गिरे नहीं कार्टव्हील करते करते, that was the best thing. मतलब प्रतीक भाई बहुत सरस गुलाट मार रहे थे। जो प्रेमा गुलाट मारता आवड़ी जाए तो पछी तो बात अच्छी रही। फिर कुछ पौने दो साल लगे मुझे भामिनी को कॉफी के लिए मनाने में कि कॉफी पीते हैं, और फिर धीरे धीरे वहां से शुरू हुई कहानी। तो बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारे। अभी तो उसका एक करंट सवाल ये होता है कि दूसरे पापाओं की तरह आपका टाइमिंग ऐसा क्यों नहीं कि सुबह जाना है शाम को घर आ जाए? When you go out for a shoot, you are gone for a month. ऐसा क्यों? अब मैं and she is too young to understand कि each and every industry works differently. इसका ये timing रहता है। तो अभी तो ऐसे सारे questions ज़्यादा होते हैं। दूसरा अभी current situation को लेके काफी discussion होता है। Online schooling आपने कभी की है? मैंने कभी नहीं की online schooling। हमको तो idea नहीं था online schooling जैसा कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ABP News आपको रखे आगे।